तो भारी तादाद में आज दर्शकगण इस मैदान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मैं आप सभी का मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो काफी उत्साह यहाँ पर दर्शकों में इस मुकाबले के लिए, तो वही मेरा मुख्य नायक नीरज से निवेदन कि अब इस मुकाबले को जल्द जल्द प्रारंभ करें क्योंकि इसके बाद फाइनल मुकाबला यहाँ पर खेला जाना है। अब हो सकता है निर्णायक मंडल का क्या निर्णय है, फाइनल मुकाबला बेस्ट ऑफ फाइव के आधार पर खेला जाएगा। अगर मौसम अनुकूल रहा तो बेस्ट ऑफ फाइव के आधार पर मुकाबला खेला जाएगा और यदि बारिश के कारण अगर कोई व्यवधान पड़ता है तो बेस्ट ऑफ थ्री के आधार पर मुकाबला खेला जाएगा। तो बेस्ट ऑफ थ्री 25-25 पॉइंट का हर सेट यहाँ पर होगा। तो अब फिलहाल मुकाबला यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। तो कई नामी गिरामी चेहरे जो एक राष्ट्रीय स्तर पे वॉलीबॉल की अपनी छाप छोड़ चुके हैं, आज वो उदयमान खिलाड़ी इस मुकाबले में अपने खेल का जौहर दिखाने के लिए यहाँ पर तैयार। तो दर्शकगण भी काफी रोमांचित अब इस मुकाबले को देखने के लिए। तो निश्चित तौर से एक उच्च स्तरीय वॉलीबॉल का यह सेमीफाइनल मुकाबला अब यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिलेगा। तो वहीं मैदान के चारों ओर दर्शकों ने अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराई है, निश्चित तौर से एक उच्च स्तरीय वॉलीबॉल का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भागीदारी करते हुए और अपने खेल के जौहर को दिखाते हुए खासा उत्साहित भी किया है दर्शकों को अभी तक इन खिलाड़ियों ने अपने आक्रामक खेल के माध्यम से। तो देखना है अब आने वाला जो ये तीसरा सेमीफाइनल मुकाबला है किस परिणति में, किस रोमांच की परिकाष्ठा में जाकर अध्याय लिखता है। तो आइए पुनः मैदान का रुख करते हैं और मैच प्रारंभ होते हुए बढ़िया सर इस बार बढ़िया रिसीव प्रिंट ब्लॉक यहां पर लेकिन कैरी करने में कामयाब और ये पावर के साथ रिसीव जरूर की थी लेकिन चेकआउट यहाँ पर अंक इस बार भाई अटक रहे हैं तो प्लीज बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ। तो खाता खुला फिलहाल 1-0 से इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। अगर अटक रहा है तो प्लीज सभी लोग बैक हो जाओ मत देखो। शुरुआत काफी आक्रामक रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिकॉर्ड बाद में देख लेना पूरा रिकॉर्ड चल रहा है मैच बढ़िया सर्विस पर इस बार पावर के साथ पर्व के द्वारा ये बेहतरीन पास यहाँ पर बिल्कुल आउटलाइन के पागल से बॉल को ड्रॉप किया। अंक अपने टीम के खाते में दर्ज कराते हुए 1-1 की बराबरी पर पहला सेमीफाइनल मुकाबला पहला सेट बढ़िया सर्विस बढ़िया बॉल यहां पर बेहतरीन ड्रॉप लेकिन मुस्तैद अम्मू बढ़िया बॉल और इस बार तो जम्मर की जर्सी से राणा कोई गलती नहीं करी बेहतरीन जम के साथ क्लियर किया उसे अंक मार्जित कर अपनी टीम के खाते के लिए 2-1। उच्च स्तर वॉलीबॉल बढ़िया सर्विस समीर ड्रॉप डालने का प्रयास और क्या बात है बेहतरीन एफर्ट जो वहां पर दिखाया था 7 नंबर की जर्सी से लेकिन रिसीव नहीं कर पाए बॉल को कमल लाजवाब एफर्ट। फिलहाल अंक इस बार बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 2-2 बढ़िया सर्विस 4 नंबर की जर्सी से ड्रॉप डालने का प्रयास जरूर किया था बढ़िया बॉल की जर्सी से लाजवाब सही 8 नंबर की जर्सी थे क्या बात है शाहिद आलम इससे पूर्व खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस अपने आक्रामक खेल के माध्यम से खासा उत्साहित किया था दर्शकों को बढ़िया सर्विस अमूल बार लेकिन आउटलाइन के बाहर चेकआउट अंक इस बार योगा पार्क हीरानगर पक्ष में जाता हुआ 3-3 की बराबरी बढ़िया सर्विस नेट टू नेट सर्विस समीर बढ़िया बॉल इस बार क्लियर किया तो 2 नंबर की जर्सी से कोई मौका नहीं यहां पर लाजवाब पावर का इस्तेमाल 4-3। तो सेमीफाइनल मुकाबले के स्तर को प्रारंभ से ही यहां पर दिखाया है दोनों टीम के खिलाड़ियों ने शादाब आलम यहां पर लेकिन इस बार कैरी करने पर राणा समीर बढ़िया ड्रॉप यहां पर लंबी रैली चलते हुए
राणेपाल लेकिन पहुंचने में कामयाब है। यहां पर 18 नंबर की जर्सी थी 5-3। बढ़िया सामंजस्य यहां पर, ब्लॉकर, बढ़िया सर्विस, ओह लाजवाब ड्रॉप जो होता, लेकिन वहां पर मुस्ताद इस बार थोड़ा सा दिशा से भटके, पावर ज्यादा, साइड लाइन के बाहर जाकर बॉल की ड्रॉप हुआ। अंक इस बार योगा पार्क हीरानगर पक्ष में 4-5। काफी रोमांचक पहला सेट, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। साइद आलम लाजवाब अटैकर, पावर का जबरदस्त इस्तेमाल, 6-4। बढ़िया सर्विस समीर, साइद आलम इस बार कोई गलती नहीं करी, जब वो क्लियर किया नेट को चुनता हुआ पास, एक और महत्वपूर्ण अंक के साथ बढ़त अपनी टीम के खाते में दर्ज कराते हुए 7-4। तो एक मुख्य कड़ी अपनी टीम के लिए सईद आलम, 8 नंबर की जर्सी से लाजवाब खिलाड़ी, बेहतरीन अटैकर, 4 नंबर की जर्सी पर बहुत जबरदस्त वहां पर, लेकिन कैरी करने में कामयाब। बढ़िया बॉल ड्रॉप डालने का प्रयास समीर, ओहो इस बार थोड़ा सा जल्दबाजी दिखा बैठे, आउट लाइन के बाहर जाकर बॉल ड्रॉप हुआ। अंक इस बार योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में जाता हुआ 5-7। तो वॉलीबॉल के स्तर को बनाकर रखा यहां पर, बढ़िया वॉलीबॉल दोनों टीमों के खिलाड़ी के द्वारा यहां पर आक्रामकता का बेहतरीन मुजाहरा पेश करते हुए, बढ़िया सर्विस, ड्रॉप डालने का प्रयास, लेकिन बेहतरीन ब्लॉक वहां पर, जगह चेंज करो नहीं, लाजवाब ड्रॉप, समीर दो नंबर की जर्सी थे, लाजवाब ड्रॉप यहां पर, सूरपुर पर ड्रॉप 8-5। पावर को दरकिनार कर सूझबूझ के साथ ये ड्रॉप, लाजवाब ड्रॉप, बेहतरीन वॉलीबॉल यहां पर, बढ़िया सर्विस इस बार रिसीव नहीं कर पाए। अंक एक बार फिर से केदार, बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 9-5। फिलहाल 4 अंकों की महत्व बात के साथ इस पहले सेट में पहला सेट, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, बढ़िया सर्विस, ओह इस बार नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, देखो एक बार, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, कुछ नहीं कर सकते हम यार इसमें, बहुत रिकॉर्ड चलने दो, मैच मत देखो भली, अभी बाद में देख लेना थोड़ी देर बाद, क्या कर सकते हैं हम भैया, रिकॉर्ड चल रही, रिकॉर्डिंग नेटवर्क खराब है क्या, हाँ नेटवर्क खराब चल रहा है शायद से, दोनों एयरटेल जियो सब में, बाकी रिकॉर्ड चल रहा है तो आप लोग जा सकते हैं, अभी थोड़ी देर बाद देख लेना मैच पूरा अपलोड हो जाएगा, इतना कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है मैच अभी दिख जाएगा, पूरा रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में देख लेना मैच, ठीक है एक घंटे में, आधे घंटे में मैच आ जाएगा। 6-11। बार थोड़ा सा दिशा से भटके, पावर थोड़ा सा ज्यादा, आउट लाइन के बाहर जाकर ड्रॉप हुआ। अंक एक बार फिर से श्री बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 6। शॉर्ट आर्म सर्विस, नाइट टू नाइट सर्विस, ड्रॉप डालने का प्रयास, क्या बात है सोनू, बिल्कुल चकमा देते हुए ये ड्रॉप लिया यहां पर, लाजवाब ड्रॉप सोनू के द्वारा। अंक इस बार योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में जाता हुआ समीर, बढ़िया बॉल लेकिन लाजवाब ड्रॉप यहां पर, तालमेल बेहतरीन, 14 नंबर की जर्सी थे अम्मू, 11 नंबर की जर्सी थे पर्व, बढ़िया ब्लॉकर 8-12। सोनू एक बार फिर से सर्विस करता है यार, शॉर्ट आर्म सर्विस, बढ़िया सर्विस समीर, बढ़िया बॉल इस बार फिर से ब्लॉक लेने में कामयाब सोनू, इस बार राणा थोड़ी गलती नहीं करी, लाजवाब जब क्लियर करी पैतीस इस बात के साथ, एक महत्वपूर्ण अंक अपनी टीम के खाते में दर्ज कराते हुए 9-12। तो फिलहाल उस बर्फ को थोड़ा सा कम किया है, 5 अंकों से पिछड़ रहे थे, तो फिलहाल लगातार 2 अंक अपनी टीम के खाते में दर्ज कराते हुए।
यार बहुत बढ़िया यार, ये छोटे भाई को माफी दिलवा दो यार, वीडियो बढ़िया वाली करना, वीडियो में बैठा हुआ जो भी होगा एक कट्टा चाहिए होगा सोनू एक बार फिर से सर्विस के लिए तैयार, उस बार नेट टू नेट सर्विस। समीर क्या तालमेल है, तहती जो मैं यहाँ पर जश क्या बात है, जश जी के द्वारा ये पहते इस बार यहाँ पर बॉल बनाई थी 2 नंबर की जर्सी से समीर ने और उसको अंजाम तक पहुंचाया जस्सी ने, बढ़िया सर्विस। सोनू 4 नंबर की जर्सी बहुत जरूर लिया था वहां पर, लेकिन चेकआउट अंक इस बार हीरानगर योगा पार्क के पक्ष में जाता हुआ 11-14। एक उच्च स्तरीय वॉलीबॉल यहां पर, बढ़िया सर्विस सोनू के द्वारा समीर इस बार, सही बॉल, क्या बात है, कोई जवाब नहीं, बेहतरीन पास के जरिए एक और महत्वपूर्ण अंक अपनी टीम के खाते में, बेहतरीन पावर के साथ लाजवाब खाता प्रभावित किया है इस युवा खिलाड़ी ने 15-11 पर इस बार अटैक पे, लेकिन इस बार रिसीव करने में कामयाब, काउंटर पे यहां पर समीर साइड से इस बार ड्रॉप जरूर डाला था, लेकिन राणा मुस्तैद लेकिन थोड़ा सा पावर ज्यादा दिखाई वहां पर, चेक आउट लेना चाहते थे, आउटलाइन के बाहर जाकर बॉल गिरा, अंक इस बार श्री बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 16-11। तो आकर्षण का केंद्र इस टूर्नामेंट में 8 नंबर की जर्सी था सईद आलम, एक सुनहरा भविष्य वॉलीबॉल के लिए आपसे देखा जाए तो, ड्रॉप डालना चाहते थे, क्या बात है, अमू इस बार पावर से बॉल को कैरी जरूर किया था, लेकिन पावर से पावर ज्यादा आउटलाइन के बाहर, अंक इस बार फिर से बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ, तो चेकआउट और यहां पर टाइम आउट लिया गया है योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में, पहला टाइम आउट 17-11 पे, ये पहला साइड फिलहाल चेकआउट टाइम आउट, यहां पर जल्दी आ यार भाई, यार चले जा, चले जाना, पासवर्ड बता दो, जा जा चले जाना जल्दी आ भाई, यार मैच स्टार्ट हो जाएगा ना, जल्दी जा तू भाग जा, अरे जल्दी जा मैच स्टार्ट हो जाएगा। आयोजक मंडल के सक्रिय साथी प्रिंस, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया कमेंट्री बॉक्स पे संपर्क कर रहे हैं प्रिंस। बेटे भाई चल ठीक है भरा भाई, भैया क्या था बात, थोड़ा ज्यादा नहीं बता रहा वैसे भाई, पागल भाई देखो रू बंद भाई, रिकॉर्ड चल रहा है, कैसी बातें करता है बकवास वाली, बंद कर दो भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ मत देखो भाई, अगर नेटवर्क गंदा हो तो मत देखो, रिकॉर्ड करके पूरा डाल रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद, बंद करूँगा तो रिकॉर्ड भी चले जाएगा, समझ आ रहा है, कैसी बातें करते हो यार भाई, समझो बात को क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर तुम्हें नहीं दिख रहा तो मत देखो मैच भाई, रिकॉर्ड चल रहा है 14-18 19-14 बढ़िया सर्विस पर इस बार अटैक पे, लेकिन ब्लॉक लेने में कामयाब जरूर हुए थे
फाउल करार दिया गया, कॉमन पॉइंट, यहां पर कॉमन पॉइंट करा गया है। उन्नीस चौदह, ओहो इस बार नेट एरर 15-19। चार अंकों से फिलहाल पीछे यहां पर योगा पार्क हिरानगर, इस बार पावर के साथ उसे क्लियर किया है। एक और महत्वपूर्ण अंक श्री बद्री केदार क्लब के पक्ष में जाता हुआ 20-15। काउंटर पर बेहतरीन अटैक यहां पर अम्मू के द्वारा और एक महत्वपूर्ण अंक इस बार योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में जाता है। क्या बात है, यहां पर लाजवाब टीम है भाई समीर 21-16। तो वॉलीबॉल की वो सभी ऊंचाइयां इस मुकाबले में देखने को मिलनी है। सॉरी भाई लोगों, हम कुछ नहीं कर सकते नेटवर्क के साथ। बढ़िया सर्विस रिसीव वहां पर पर्व के द्वारा राणा इस बार, लेकिन ब्लॉक लेने में कामयाब है हमार अंक इस बार फिर से बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 23-16। इंदू तो अंदर गए, तो 23-16 पर ये पहला सेट आज के दिन का, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला श्री बद्री केदार क्लब वर्सेस योगा पार्क हीरानगर के मध्य खेला जाता हुआ। लेकिन इस बार पावर ज्यादा आउटलाइन के बाहर 17-23। सोनू 9 नंबर की जर्सी से सर्विस के लिए तैयार, बढ़िया सर्विस, नेट टू नेट सर्विस, बढ़िया बॉल यहां पर, अरे ब्लॉक लेने में कामयाब जरूर होते लेकिन फाउल करार दिया गया यहां पर। अंक एक बार फिर से बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ सेट पॉइंट 17। तो पहला सेट जीतने की कगार पे यहां पर श्री बद्री केदार, पर इस बार ड्रॉप डालना चाहते थे लेकिन सचो लहर अभी भी अंकों के 4 नंबर की जर्सी थे। इस बार अंक योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में जाता हुआ 18 सेट पॉइंट 16। इस बार आउट लाइन के बाहर और इस तरीके से 25-18 से पहला सेट जीतकर एक शून्य के निर्णायक बढ़त के साथ बद्री केदार क्लब चलेगा दूसरा सेट, पहला सेट तो फिलहाल 1-0 से बढ़त बनाते हुए यहां पे श्री बद्री केदार क्लब आज के दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भाग
देवभूमि प्रॉपर्टीज जो इस टूर्नामेंट की पहले टीम और इस मुकाबले को जीतने वाली भाई अपने आप एयरटेल जो टीम रहेगी 4G पकड़ने लग जा रहा भाई। तो देवभूमि प्रॉपर्टीज के साथ फाइनल मुकाबले को खेलेगी। ये देखो ये नेटवर्क इसमें है भाई प्रॉब्लम 5G मतलब 4G चल रहा है। तो फिलहाल दूसरा सेट प्रारंभ होते हुए पर या फिर भी इस बार ऋषभ उतनी बेहतरीन नहीं। मौका यहाँ पर ड्रॉप डालने का फाउल करार दिया गया इस बार नेट फॉल वहां पर बढ़िया नेड़ा मंडल के द्वारा नीरज काफी पैरी निगाहें रखते हैं मैदान के हर कोने पर। तो फिलहाल शुरुआत 1-0 के साथ योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में बढ़िया बॉल बेहतरीन ड्रॉप इस बार सूझबूझ पर अंक 1-1 की बराबरी पर। ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आज का ये दूसरा और निर्णायक दिन दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला यहां पर इस बार पावर ज्यादा दिखाई थी। तो फिलहाल निर्णायक मंडल का निर्णय श्री बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 2-1 बढ़िया सर्विस शॉट आम सर्विस सोनू बढ़िया बॉल यहां पर तो बताना चाहते थे मौका यहां पर डबल टच यहां पर बढ़िया निर्णय निर्णायक मंडल के द्वारा 2 ऑल पर 11 नंबर की जर्सी से सर्विस को ले तैयार बढ़िया सर्विस अंक एक बार फिर से बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 3-2 बढ़िया सर्विस इस बार सोनू मौका यहां पर लेकिन बेहतरीन डिफेंस वहां पे सोनू ओहो लाजवाब तालमेल यहां पर अंक योगा पार्क हीरानगर पक्ष में 3 ऑल बढ़िया बॉल शहीद आलम लेकिन इस बार डिफेंड करने में कामयाब क्या बात है इस बार 4 नंबर की जर्सी से साइड लाइन के बिल्कुल बराबर से बॉल को ड्रॉप किया महत्वपूर्ण अंक अपनी टीम के खाते में दर्ज कराते हुए फिलहाल 1 अंक से बढ़त बनाते हुए 4-3 पर्व बढ़िया सर्विस क्या बात है बेहतरीन ड्रॉप यहां पर 9 नंबर की जर्सी से कोई मौका नहीं इस बार समीर बढ़िया सर्विस नेट टू नेट सर्विस इस बार बढ़िया बॉल ब्लॉक लेने चाहते थे हालांकि कैरी करने में कामयाब बढ़िया बॉल यहां पर 2 नंबर की जर्सी थे बढ़िया यहां पर बेहतरीन पावर का बरबर उत्तर कौन मौका नहीं अंतिम बार बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ पावरफुल स्पर्श यहां पर 5-4 सोनू पर इस बार क्या ब्लॉक लिया है यहां पर एक बार फिर से पावर के साथ पर्व ने एक मौका बनाया तब्दील किया उसे अंक में अपनी टीम के खाते में अंक दर्ज कराया स्कोर जा पहुंचा 5 ऑल बढ़िया बॉल यहां पर लेकिन इस बार लाजवाब ब्लॉक अम्मू के द्वारा 6-5 बढ़िया बॉल इस बार कोई गलती नहीं करी इस बार 6 ऑल 18 नंबर की जर्सी से बढ़िया सर्विस मौका इस बार ड्रॉप डालने का प्रयास सईद आलम
बार योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में जाता हुआ 7-6। हाँ भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी आप बाद में देखना मैच वीडियो अपलोड पर। बढ़िया सर्विस, अभी मत देखो, बढ़िया बॉलिंग बॉल, लेकिन पावर का ज्यादा इस्तेमाल, आउट लाइन के बाहर। अभी मत देखो कोई भी मैच, योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में जाता हुआ 8-6। फिलहाल दो अंकों के महत्व ब्रक के साथ और बरकरार रखनी पड़ेगी ये बात यदि इस मुकाबले को तीसरे सेट में लेकर जाना है तो। बढ़िया बॉल, ब्लॉक जरूर किया था, चेकआउट यहां पर, अंक इस बार श्री बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 7-8। तो खासा मनोरंजन की है दर्शकों का भी आज इन खिलाड़ियों ने अपने जोशीले अंदाज से, आक्रामक बॉलीबॉल से। सोनू इस बार ड्रॉप डालने चाहते थे, बढ़िया बॉल ब्लॉक किया वहां पर, काउंटर पे यहां पर दो नंबर की जर्सी से, लेकिन उतना ही तहत फाइट, लंबी रैली चलते हुए, और इस बार थोड़ा सा बॉडी बैलेंस काम नहीं रख पाए, कैरी नहीं हो पाई बॉल, अंक इस बार बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 8-8। तो लगातार दो अंक अर्जित करते हुए बराबरी पर 8-8 के। कोई भी अभी मैच पहलू को वैसे तो मत ही देखो, मेरे कहने मानते हो तो खैर टाइम वेस्ट होगा, बाकी बाद में देखना, रिकॉर्ड करके डालता हूं अभी पूरा मैच। बढ़िया सर्विस सोनू, बढ़िया बॉल यहां पर, क्या बात है, बेहतरीन फाइट, सही आरोप इस बार, पावर का दम, अंक अर्जित कर अपनी टीम के लिए, लाजवाब 8 नंबर की जर्सी से शहीद आलम, एक महत्वपूर्ण अंक अपनी टीम के लिए 9-8, एक अंक की महत्वपूर्ण बढ़त श्री बद्री केदार के पक्ष में जाते हुए। पर इस बार चेकआउट चाहते थे, अंक अर्जित करा इस बार योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में 9-9। बढ़िया सर्विस शाहिद आलम इस बार, लेकिन क्या लाजवाब ब्लॉक यहां पर, अन्नों के द्वारा तारीफ करनी होगी, काबिले तारीफ बेहतरीन ब्लॉक यहां पर, तालियां बजाकर साइड के दर्शकों ने भी, लाजवाब अम्मो 14 नंबर की जर्सी से। बढ़िया बॉल ड्रॉप डालने का प्रयास जरूर किया था सोनू मुस्ताद यहां पर, इस बार पर्व अटैक पर, लेकिन इस बार थोड़ा सा पावर का इस्तेमाल ज्यादा, आउट लाइन के बाहर, अंक इस बार बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 10-10। उच्च स्तरीय वॉलीबॉल यहां पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच। बढ़िया सर्विस सोनू इस बार, लाजवाब ब्लॉक, लेकिन चेकआउट, अंक इस बार फिर से योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में जाता हुआ 11-10। बढ़िया सर्विस टाले का प्रयास इस बार चेकआउट के जरिए, ये अंक इस बार बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 11-11, 11-11 की बराबरी। रोमांचक मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज के दिन का। पर नीरज बढ़िया बॉल यहां पर, लेकिन इस बार चेकआउट, अंक इस बार योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में 12-11। तो एक एक अंकों के लिए जब गए थे यहां पर सर्विस के लिए तैयार। बढ़िया सर्विस मौका यहां पर, शहीद आलम बॉल के नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं करी, बेहतरीन पावर के साथ लाजवाब स्मैश, अंक अर्जित कर अपनी टीम के लिए 12-12। शॉर्ट आर्म सर्विस, बढ़िया बॉल इस बार, लेकिन ब्लॉक लेने में कामयाब इस बार, अंक बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ 13-12। बढ़िया सर्विस सोनू, बढ़िया बॉल इस बार, कोई गलती नहीं करी, चेकआउट यहां पर, अंक योगा पार्क हीरानगर के पक्ष में जाता हुआ 13-13। जबरदस्त मुकाबला, नेट टू नेट सर्विस, बढ़िया बॉल यहां पर, और इस बार कोई गलती नहीं करी, 2 नंबर की जर्सी से,
अंक अपने टीम के पक्ष में। बफरिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है पूरा। बद्री केदार मैच आ जाएगा एक घंटे, एक अंक की बात के साथ आधे घंटे में आ जाएगा पूरा मैच। बढ़िया सर्विस सोनू, मौका यहाँ पर, लेकिन इस बार थोड़ा पावर ज्यादा दिखा बैठे, आउट लाइन के बाहर बाल बाल बैठे। अंक इस बार एक बार फिर से बद्री केदार के पक्ष में जाता हुआ। 15-13 दो अंकों की महत्व बढ़त। बढ़िया ब्लॉक यहां पर, ड्रॉप डालने का प्रयास परवेश बार, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठे, आउट लाइन के बाहर जाकर बॉल ड्रॉप हुआ। भाई काफी बढ़िया ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। और जिस तरह से इस दूसरे सेमीफाइनल में अपना थोड़ी सी जो मुकाबला जो फाइट देखने को मिल रही थी वो थोड़ा सा यहाँ पे अभी फ्रंट फुट पर आ चुकी है टीम। 17-13 के स्कोर से यहाँ पर मुकाबला भी चल रहा है। पूरे वॉलीबॉल मैचेज की बात करेंगे तो चतुर्थ श्री बद्री केदार वॉलीबॉल ऑल इंडिया टूर्नामेंट का आज फाइनल डे है और ये दूसरा सेमीफाइनल मैच है। 16 टीमों ने इस पूरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और क्षेत्रीय टीमों के साथ साथ हमारे ये जो टीमें आप देख रहे हैं आमंत्रित टीमें, इनका मुकाबला हुआ। और अब इसके बाद जो फाइनल मैच होगा वो उत्तराखंड देवभूमि प्रॉपर्टीज और इस मैच की विजेता टीम के बीच अगला मुकाबला होगा। ये काफी अच्छा ब्लॉक यहां पे देखिए, सौरभ और जस्सी के ट्रिपल ब्लॉक पे यहां पे, उस तरफ गौरव गुप्ता चार नंबर की जर्सी में आप देख रहे हैं। 18-13 अच्छी सर्विस पास किया गया यहां पे और शॉट पर बहुत बढ़िया, यहां पे डिफेंस भी बहुत अच्छा यहां पे और कमाल का डिफेंस यहां पे, शानदार डिफेंस है ये। फिर से लाजवाब ब्लॉक 19-13 दर्शकों से पूरी तरीके से ये हमारा गुरुकुल इंटरनेशनल का ये खेल प्रांगण पूरी तरीके से आच्छादित है। ओहो उड़ती गेंद उड़ता हुआ अटैकर सईद आलम, लाजवाब शॉट ये 20-13 अर्जुन का ये 9 नंबर की जर्सी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब की बात करेंगे तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम के मेंबर है ये। समीर बैक शॉट और बहुत ही बढ़िया नीट एंड क्लीन अटैक ये जसविंदर जस्सी का 21-13-14 सोही फाइनल में। नेटवर्क की वाट लगा दी नेटवर्क ने भाई, ओ जी खराब सर्विस यहाँ पे, सर्विस एरर लगातार दो सर्विस एरर यहाँ पे अभी तक हो चुके हैं बैक टू बैक अर्जुन के द्वारा। 15-21 के स्कोर से ही मैच चल रहा है, फाइनल सेट भी हो सकता है अगर ये जीत जाएगी बद्री केदार वॉलीबॉल क्लब की टीम। और ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन इन दोनों ही खिलाड़ियों का, समीर और सौरभ की अगर हम बात करेंगे तो अक्सर काफी मैचेस में ये एक साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं आपको और स्कोर है 22-15। सिंपल सर्विस सेट किया सतीश ने, अटैक की गई और ये बहुत ही अच्छा यहां पर कलेक्शन किया है, ड्रॉप की गई लेकिन साइड लाइन के बाहर और स्कोर है 16-22। फ्लोट सर्विस पास हल्का सा एरर था लेकिन देखिए ऊपर लेफ्ट बॉल यहां पे ये दिया गया है सेटल ने, कोशिश जरूर की थी, बढ़िया सर्विस यहां पे सतीश की। 17-22
विशु का वाइट कोर्नर आ गया। अब कवल यहां पर डिफेंडर थे, वाइप आउट करने में इस बार भी कामयाब। 23-17 छह अंकों की यहां पर बढ़त है इस सेमीफाइनल मुकाबले में। संतोष बहुत ही बढ़िया सैंडी का अटैक और इसी के साथ 18 के स्कोर पर पहुंची है टीम योगा पार्क हीरानगर वॉलीबॉल क्लब 18-23। अच्छे सर्विस, सिंपल क्रॉस हो रही है, यहां पे भी मौका है पॉइंट लेने का और ये काफी अच्छा रोल शॉट यहां पे प्रशांत का। 19-23 आज काफी ह्यूमिडिटी है, मौसम की बात अगर करेंगे लेकिन दिन भर में उतनी धूप नहीं आई, कल बारिश थी, आज बहुत अच्छा मौसम है वॉलीबॉल के लिए। और इसी के साथ इस टेप शॉट के साथ ही मैच पॉइंट पर पहुंच चुकी है टीम श्री बद्री केदार वॉलीबॉल क्लब 24-19। हाँ बिल्कुल, इसके आधे घंटे के ब्रेक के बाद यहां पर फाइनल मुकाबला होगा। पहली फाइनल में पहुंचने वाली टीम आपको पता है, बहुत ही शानदार सोही के खेल को देख करके सबका मन मोहित हुआ था। इस बीच पंजाब से निकले और बहुत बढ़िया खेल प्रदर्शन यहां पर दिखाया उन्होंने, उनके टीम के साथ होगा इसकी विजेता टीम का मुकाबला। बहुत ही बढ़िया ड्रॉप यहां पर अर्जुन का और इसी के साथ चतुर्थ श्री बद्री केदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन चुकी है श्री बद्री केदार वॉलीबॉल कप की टीम। और मेगा फाइनल ठीक आधे घंटे बाद होगा यहां पे और